अस्सलाम वालेकुम नए फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये कराची की एक छत से ली गई हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि इख्तियारा जो है वो बहुत करीब करीब ही बिल्डिंग्स के उड़ रहा है। आज हम जो वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं उसमें भी हम अपने एक जहाज़ के सफ़र की दास्तान आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे कि एयरबस अंदर से कैसी होती है, लोग किस तरह बैठते हैं, और ये एयरबस जो थी वो ख़राब हो गई तो किस तरह मुसाफरों को उतारा गया, और फिर किस तरह इंतज़ार करके दूसरे जहाज में बैठे, और सारी क्या कहानी हुई ये सब आप देखिएगा। अभी हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, ये कराची के मनाजिर आप देख रहे हैं। ये वीडियो भी आप पहली वीडियोस की तरह खूब इंजॉय करेंगे। अभी कराची के मनाजिर से लुत्फ अंदोज हों, ये सारे कराची के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। आज की वीडियो में आपको हवाई जहाज़ के अंदरूनी हिस्से बहुत अच्छे तरीके से दिखाएंगे। ले जी, हम कराची एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी उन्हें मज़े मज़े की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। थोड़े इंतज़ार के बाद हमें जहाज़ में बिठा दिया गया। देखें, ये बड़ी एक एयरबस है और इसमें सेंटर में भी सामान रखने के लिए जगह बनी हुई है, और ये बाकी चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखाती चली जा रही हूँ। जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि जहाज़ के अंदर क्या क्या होता है। जहाज़ में बैठे काफ़ी देर हो गई लेकिन जहाज़ ने परवाज़ नहीं की, तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि भाई परवाज़ क्यों नहीं कर रहे, कब उड़ेंगे, कब पहुँचेंगे, कब जाएँगे। तो इतने में फिर पायलट की तरफ से अनाउंसमेंट की गई कि जहाज़ में टेक्निकल ख़राबी हो गई है जिसकी वजह से ये जहाज़ परवाज़ नहीं कर सकेगा, तो आप उतर के दोबारा से लाउंज में वेट करें। हमें ये कार्ड दे दिए गए और वेट करने के लिए कहा गया। जब हम वेटिंग लाउंज में गए तो वैसा ही एक जहाज़ शीशे की दीवार के दूसरी तरफ खड़ा था, तो लोगों ने देख के कहा यार ये ना हो कि इसी ख़राब वाले जहाज़ में दोबारा बिठा दें। चंद घंटों के बाद दोबारा हमें इस जहाज़ में दोबारा से बिठा दिया गया। वैसा ही जहाज़ था, लोग परेशान होने लगे, बातें करने लगे। कुछ मनचले नौजवान तो हंस के कहने लगे ऊंची आवाज़ में, यार खैर ही करे अल्लाह, इन्होंने लगता ख़राब जहाज़ में दोबारा चढ़ा दिया। लेकिन रात का बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका था, थोड़ी देर में ही सब पैसेंजर जो हैं वो सो गए, और मैं सोचने लगी कि अल्लाह जो करता है वो बेहतर ही करता है। अच्छा हुआ जो परवाज से पहले ही इस खामी का जो था वो पता चल गया। अगर जहाज़ टेक ऑफ कर जाता और इस खामी का बाद में पता चलता तो न जाने कितना नुकसान होता। अल्लाह महफूज रखे हर मुसाफिर को। और ये देखें बाहर के नज़ारे, हम थोड़ी देर में ही लाहौर पहुंच गए और अब हमारा जहाज़ लैंड करने लगा था। जहाज़ एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब उड़ रहा था और थोड़ी ही देर में हम लाहौर पहुंच चुके थे। ये देखें अब हमारा जहाज़ जो है वो रनवे पर दौड़ रहा है और हम बख़ैर आफ़ियत अल्लाह के करम से लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गए। और जैसे ही जहाज़ ने रनवे पे दौड़ना शुरू किया तो सब सोए हुए मुसाफिर जाग गए, जहाज़ की लाइट्स ऑन कर दी गई और सब अपनी अपनी सीटों पर अलर्ट हो गए उतरने के लिए। हमने कहा पहले आगे वाले उतर जाएँ फिर हम उतरेंगे। तो आज का सफ़र और सफ़र की जो दास्तान थी वो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अल्लाह सब को महफूज रखे इस दुआ के लिए आमीन ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अब देखिए हम भी उतर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने खैर व आफ़ियत से हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दिया। ये एयरबस के नज़ारे आप एक दफ़ा फिर कर लें, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है उसको लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।